चार ब्राह्मण। एक गांव में चार ब्राह्मण रहते थे। उनमें से तीन ब्राह्मणों ने अनोखी विद्याएं सीख रखी थी, जबकि एक को कुछ खास नहीं पता था। इसी वजह से बाकी तीनों उसे अज्ञानी और निरा मूर्ख समझते थे। एक बार तीन विद्वान ब्राह्मणों ने शहर जाकर कुछ धनोपार्जन करने का विचार बनाया। उन्हें जाता देखकर चौथा ब्राह्मण भी साथ जाने का आग्रह करने लगा। तुम हम विद्वानों के साथ जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धनोपार्जन कर सको। हाँ, जाओ, लौट जाओ, तीनों ने उसे लगभग डांटते हुए कहा। मैं तुम लोगों के काम कर दिया करूंगा, कृपया मुझे ले चलो, चौथा ब्राह्मण आग्रह करते हुए बोला। काम कराने की लालच में सभी उसकी बात मान गए और वो भी साथ साथ चल पड़ा। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ती हैं। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि यह हड्डियां किस जानवर की हैं। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देख दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है और उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता है। अब भला तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तुम सब ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं इस शेर में अभी प्राण फूंक इसे जीवित कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वह मंत्रोच्चारण करने लगता है। ठहरो ठहरो, चौथा ब्राह्मण जोर से चीखता है, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर ये शेर जीवित हो गया तो। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि मंत्रोच्चारण कर रहा ब्राह्मण उस पर गरज पड़ता है, मूर्ख अल्पबुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा मत खोलना। और वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया, वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगलों में ओझल हो गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। दोस्तों, कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आगे दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए।